हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ हम। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्वेश्चन का गिवन पार्ट पढ़ लें, फिर इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखें। क्वेश्चन कहता है, एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या बताता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 17 को हमें बता रहा है दैट द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर, हमें कितनी सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुई है इस ईयर में। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड रुपीज 6 लाख, 6 लाख रुपए की रिसीव हुई है। कितनी ड्यू थी, कितनी एडवांस मिल गई, सब इसमें शामिल है। ठीक है, हो सकता है पिछले सालों का कुछ पैसा मिला हो सकता है अगले सालों का मिला, और करंट ईयर का तो ऑफकोर्स इसमें होगा ही। आगे कहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है उन्होंने। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर वन इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, यानी पिछले साल की बात करें तो यहां पर 1/4/16 की बात कर रहा है और 31/3/17 आज हम यहां पर हैं। तो कहता है इस दिन का आउटस्टैंडिंग बता रखा है हमें। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस बता रखी है कितनी है, 60,000 की। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, और यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, ₹40,000 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 16, यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी थी, ये थी ₹32,000। एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन देता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, ₹38,000, और यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है एज ऑन क्लोजिंग डेट, ₹38,000 की। क्वेश्चन हमें आगे कहता है असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, सॉरी असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 16-17। ये बताइए इनकम कितनी है, सब्सक्रिप्शन से इनकम कितनी है फॉर द ईयर 16-17, ये वो आपसे पूछना चाहता है। नाउ एंड आगे बोला है ना, शो हाउ रिलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपियर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये भी बताइए कि जो रिलेवेंट चीजें आ रही हैं आपके पास, ये रिलेवेंट आइटम्स, ठीक है, ये कहां जाएंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए जी, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कहां कहां चीजें कैसे कैसे आएंगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने बताया आपको ओपनिंग डेटर भी होंगे, क्रेडिटर भी होंगे। ओपनिंग डेटर डेबिट साइड में लिखे जाएंगे और ओपनिंग क्रेडिटर क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। चलिए, मैंने ओपनिंग डेटर और क्रेडिटर दोनों के लिए लिख लिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट मैंने डाली नहीं, मैं डाल देता हूं, डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1/4/16, दोनों की एक ही डेट है, 1/4/16 को। ओपनिंग डेटर यानी आउटस्टैंडिंग जो है, जिनसे हमें पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है हमने, 60,000, इंफॉर्मेशन नंबर वन में दे रखा है ये। उसके बाद ओपनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 17 दे रखा है, ये क्लोजिंग डेटर हैं। क्लोजिंग डेटर किधर आ जाएंगे, यहां आएंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का, जिनसे पैसा लेना है। आप कहें तो मैं पूरी बात लिखूं पर आउटस्टैंडिंग शायद आप समझ पाएंगे। ठीक है, कितना है ये, 40,000 अभी भी लेना है, 60 शुरू में लेना था, 40 बाद में लेना है। हो सकता है इनमें से 20 ने पेमेंट कर दिया हो, या इनमें से पूरे 60 ने पेमेंट कर दिया हो, 40 इस बार के हो, उन्होंने पेमेंट नहीं किया हो, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो केवल अजम्पशंस हैं। आइए, उसके बाद उसने कहा है पॉइंट नंबर थर्ड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 16, यानी ओपनिंग एडवांस है ये। ठीक है, ओपनिंग का एडवांस है और अमाउंट है इसका 32,000। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट लाइन में थी वो मैं लिखना भूल गया, मैं इन एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आ गया, उसे अभी लिखता हूं मैं। उसके बाद उसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 17, यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटी है ये, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है। ठीक है जी, आइए, कितना है ये है 38,000 रुपीज। अब देखिए, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने ऊपर दे रखी थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी कैश टू सब्सक्रिप्शन, ये एंट्री हुई होगी जब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई होगी, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ था बाय बैंक लिख दीजिए या कैश लिख दीजिए, मैं बैंक लिख देता हूं, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड, जो रिसीव हुई है इस बार पैसा आया है, कितना आया है? 6 लाख रुपए है। अब एक बात समझिए आप, इतना एडवांस था 6 लाख आ गया और उसके बाद इतना बाकी है, उसमें से माइनस कर दीजिए ये दोनों 60 और 38, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलती थी डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, वो यहां आता था और उसे हम कह देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये करंट ईयर की इनकम है, ये करंट ईयर की इनकम है। ये इंफॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज तो मैं बस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखकर और उसे बैलेंसिंग फिगर डाल देता। ठीक है जी, चलिए तो मुझे एक काम कीजिए, आपको पता है क्रेडिट साइड ज्यादा है इस अकाउंट में, तो मुझे बताइए क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। देखिए 6 लाख प्लस 40,000, यानी ये टोटल हो गया 6,72,000। हाँ जी, 6,72,000। ठीक है, ये बात है ना। अब देखिए ये 6,72,000 है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इधर भी 6,72,000 ही आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो अब देखिए 6,72,000 आना चाहिए, तो इसके लिए दोनों माइनस कर दो इस अमाउंट में से, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो मुझे बता दीजिए जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है आप लोगों का, कैलकुलेट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, मुझे जल्दी बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ जी बताइए जी, बताइए कितना बता रहे हैं। 5,74,000। एक बार चेक कर लो बेटा, 5,74,000 आ रहा है क्या? बच्चे बता रहे हैं 5,74,000, 5,74,000। आपने क्या करना है, 6,72,000 में से 38,000 और 60,000 माइनस करना है। ठीक है, सही आ रहा है, चलिए जी ठीक है। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है ये जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो बताइए ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी। तो देखिए अगर बैलेंस शीट की हम बात करें, तो बैलेंस शीट में हमारे पास चार चीजें जाएंगी। ये एक तो ये जाएगा हमारे पास ओपनिंग एसेट, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग लायबिलिटी यानी ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग लायबिलिटी एंड क्लोजिंग एसेट। ये चार चीजें जाएंगी बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएंगी और क्लोजिंग वाली चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली जाएंगी। आइए इनको लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले अब बैलेंस शीट पर चलता हूं। आइए, ये आ गए बैलेंस शीट पर, इस बैलेंस शीट को हम बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 16 बना रहे हैं इसको हम। ठीक है जी, 1 अप्रैल 16 को बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम एसेट्स को एसेट साइड लिखेंगे और लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इधर लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शंस, या सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिख दीजिए, या आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, आप इसे लिख दीजिए सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए आपकी इंफॉर्मेशन में कितना है ये अमाउंट, 60,000 है। उसके बाद ओपनिंग लायबिलिटी को कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में, ये एक्सट्रैक्ट है ध्यान रखिएगा, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम बस दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, एक्सट्रैक्ट है ये बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस तो कितना अमाउंट है जरा ये भी बता दीजिए, कितना बता रहे हैं, 32,000। ठीक है, 32,000 ये आ गया। चलिए ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया आपके लिए हम लोगों ने, अब क्लोजिंग का और बना ले, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं हमारे पास, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पर और आ जाए, आइए तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं इस फॉर्मेट को, हम इसे बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। ठीक है, 31 मार्च 17 को ये बैलेंस शीट है हमारी। यहां पर भी क्या होगा, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग दिखेंगी एसेट साइड में, क्योंकि इनसे पैसा आना है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, और इधर आ जाएगा हमारे पास लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो बता दीजिए इनका अमाउंट कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना बता रहे हैं, 40,000। ठीक है, ये गिवन है ये 40,000, और क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है हमारी बताइए, 38,000। ठीक है, 38,000 आ गया जी, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया। इसे मैं लिख दूं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट,
एक्स्ट्रैक्ट यानी एक हिस्सा है ये बैलेंस शीट का, पूरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसे हमने प्रेजेंट कर दिया बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है यह है SR अकाउंटेंसी क्लासेस। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही। ठीक है ना, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूँ 9261004x7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन वन मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर सेवन कहाँ है? तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर वन की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर वन की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप उन्हें सीक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उसके पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है, आप हमारे कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था आप लोगों को। अब आप हम आगे चलेंगे इसके बाद। ठीक है,